हेलो स्टूडेंट्स, सो आई एम बैक अगेन विद ब्रांड न्यू क्लास। वी आर स्टडिंग, हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे, हमने ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब पढ़ा। आज पढ़ेंगे लिंगिंग वर्ब। लिंगिंग वर्ब क्या होते हैं? लिंगिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द कॉम्प्लीमेंट। इस सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तब यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर ही मतलब वह, प्ले मतलब खेलता है क्रिकेट, क्योंकि वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर ही प्लेज क्रिकेट, अब इसी को लिखते हैं कि ही इज अलाइव, वह जिंदा है। यहाँ पर जिंदा कौन है? वह। कौन जिंदा है? वह। जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो वह ही क्या है? वह लड़का और वह दोनों सेम है, सेम है ना। वो लड़का जो है वही वह है, ठीक है। सी लुक्स प्रेटी, वह सुंदर दिखती है। तो यहाँ पर सी और प्रेटी यानी कि वह और सुंदर दोनों ही क्या है? वह और सुंदर दोनों। वही सुंदर कौन है? सुंदर। सुंदर कौन है? ये वह है। वह माने वो लड़की है, यानी कि दोनों ही वर्ड क्या है? दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के पूरक, मतलब एक दूसरे के ही। ये जो है वही वही सुंदर कौन है? ये लड़की तो है, लेकिन यहाँ पर वह और क्रिकेट क्या एक है? नहीं है। वह एक काम कर रहा है, क्या? खेलने का। जैसे कि लिखेंगे सी मेक्स टी, वह चाय बनाती है। तो क्या चाय और वह दोनों एक ही चीज है? नहीं, वो जो काम कर रही है, काम क्या कर रही है? चाय बनाने का। तो यहाँ पर जो चाय है और जो वह है वो दोनों एक ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वह है या सुंदर है, यानी कि वह सुंदर है, तो यहाँ पर वो लड़की और सुंदर दोनों एक ही व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, यानी कि वो गर्ल। गर्ल ही सुंदर है और गर्ल ही वह है, क्योंकि यहाँ पर वह जो है वो गर्ल के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन चाय गर्ल के लिए नहीं, गर्ल के काम के लिए इस्तेमाल हुआ। गर्ल जो काम कर रही है, तो यही अंतर होता है। ये जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव है, ये जो है वो लिंकिंग है। लिंकिंग मतलब जोड़ने वाले, जो क्या करते हैं, दो चीजें जो एक ही होती हैं। वह जिंदा है तो जिंदा कौन है? वह जिंदा है तो वह जो है एक मेल है, और जिंदा भी वही है, वो उसका काम नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे कि अगर आप लिखेंगे कि राम स्पीक्स द इंग्लिश लैंग्वेज, राम अंग्रेजी भाषा बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर राम जो है एक काम कर रहा है बोलने का, और वो क्या काम है? अंग्रेजी भाषा बोलने का काम कर रहा है। अब यहीं पे अगर लिखेंगे कि राम अपीयर्स सैड, राम जो है दुखी दिखाई देता है। तब अब देखिए, राम बोलता है, क्या बोलता है? इंग्लिश। तो क्या इंग्लिश और राम दोनों एक ही है? नहीं है। ये जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव है। क्या है? ट्रांसिटिव। अब याद रखिए, राम अपीयर्स माने दिखाई देता है, क्या? दुखी। तो राम दुखी दिखाई देता है, तो यहाँ पर राम ही दुखी है। राम और दुखी दोनों कौन है? एक दूसरे से जुड़े हुए। यहाँ राम इंग्लिश से नहीं जुड़ा है, बस बोलता है उसको, लेकिन दुखी कौन है यहाँ पर? राम है। ये राम का काम है, इंग्लिश बोलना राम का काम है, लेकिन दुखी खुद राम है। यानी कि खुद जब वो होता है, यानी कि ये और ये जब खुद ही पे होते हैं, तो ये जो वर्ब होता है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको?
इसे हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब और कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, लुक्स, अपीयर्स, सीम्स, ठीक है, इज, एम, आर, लुक्स, अपीयर्स, सीम्स, बिकम, ये सारे जो होते हैं लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। बस समझ में आ रही है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियो में फिर से आगे बताऊंगा, ठीक है, थैंक यू।